नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए YouTube चैनल के माध्यम से आया हूं और मैं ये मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ये है, जो हमारे घर पे जो भी चीज़ हम फेंकने लायक होते हैं उसमें कुछ नया प्लांटेशन करके आपको उसे रीयूज़ कैसे करना है, उसे ब्यूटिफिकेशन कैसे करना है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ और ज़रूर ध्यान से देखिए। अभी मेरे पास ये तबला है, ये तबला 2 साल पहले मैंने बच्चों के लिए लाया था, लेकिन वो अभी टूट सा गया है, लेकिन उसका फिनिशिंग अभी भी अच्छा है। इसे फेंकने के वजह इसमें कुछ प्लांटेशन करने का थॉट है, आप देखते रहिए। अभी इसमें ये पॉट बैठ नहीं रहा है, तो उसे हम थोड़ा इस तरह से उसे काटेंगे, अंदर की तरफ से उसे जगह बनाएंगे ताकि हमारा ये पॉट अच्छे से बैठे, ये पूरी तरह से ये ग्रिप अंदर बैठना चाहिए। और अभी ये जो पॉट है वो पूरा सेट हो रहा है, यहाँ पर देखिए परफेक्ट फिटिंग हो रहा है, क्योंकि अंदर से मैंने जो ये था उसका कवर वो काट दिया है। अभी आप बोलो कि इसमें पानी कैसे होगा, तो पानी के लिए आप सेल्फ वाटरिंग पॉट लगा सकते हो, जो कि सेल्फ वाटरिंग पॉट में क्या होता है कि पानी बाहर नहीं जाता है, यहाँ पर से बाहर जाएगा, लेकिन हम उसे कोकोपीट में लगाएंगे तो थोड़ा पानी बाहर जाने का चांसेस कम है। वर्मी कंपोस्ट हम मिक्स करेंगे और ये इसमें डालेंगे। अंदर आप पत्थर रख सकते हो, अभी मेरे पास पत्थर नहीं इसलिए मैंने रखा नहीं हूँ, लेकिन वो मैं ऑब्जर्व करूँगा। तो देखिए इसमें मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्सिंग कर दिया है। अभी ये मेरे पास मनी प्लांट है, आपको जो चाहे वो प्लांट लगा सकते हो, मैंने गोल्डन मनी प्लांट ये सिलेक्ट किया है। तो देखिए ये प्लांटेशन अभी करेंगे, ऊपर से हम हमारा बचा कुचा कंपोस्ट और कोकोपीट ये मिक्स करेंगे, यहाँ पर ये मिक्स करेंगे। अभी ये खूबसूरत सा प्लांटेशन यहाँ पर रेडी हो रहा है। और आप दूसरे प्लांट, कलरफुल प्लांट भी ले सकते हो, मुझे मनी प्लांट लेना था, मुझे इंडोर में रखना है, इंडोर में मनी प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है, ऑक्सीजन के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैंने ये कोकोपीट में लगाया है और मुझे ये इंडोर में रखना है। देखिए आपके पास जितना भी वर्मी कंपोस्ट ये है फुलफिल कीजिए, खूबसूरत सा ऐसा एक प्लांट आपके पास। ये देखिए कितना खूबसूरत ये गमला तैयार हो गया, ये हम फेंकने से वजह इसमें कुछ यूनिक बना सकते हैं। और आगे भी मेरे YouTube चैनल देखते रहिए ताकि आपको ऐसे ही कुछ नए नए चीज़ें देखने मिलेंगी। नमस्कार।